प्यारे बच्चों, आज मैं डॉक्टर किरण त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, आपको साहित्य की कुछ साहित्य पर कुछ चर्चा करूंगी। बच्चों देखिए, साहित्य एक ऐसा विषय है जो मनुष्य को जीने की कला सिखाता है। आज मैं आपकी औपचारिक क्लास ले रही हूँ, आपके पास पाठ्यक्रम पहुँच गया है और पाठ्यक्रम से संबंधित मैटर मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। आज मैं आपको साहित्य पर चर्चा करती हूँ और आप आज के इस व्याख्यान के बाद मुझे अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। साहित्य एक ऐसा विषय है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। हिंदी साहित्य के बहुत बड़े आलोचक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा है, साहित्य की परिभाषा देते हुए लिखा है, सह हितस्य भावः साहित्यः, अर्थात जिसमें दूसरे के कल्याण की कामना है उसे साहित्य कहते हैं। हिंदी साहित्य को पढ़ने और अध्ययन करने से पहले मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहूंगी कि साहित्य का अध्ययन करने वाला चाहे विद्यार्थी हो या शिक्षक हो, सबसे पहले साहित्य का प्रभाव उसकी वाणी, व्यक्तित्व और उसके कृतित्व में दिखना चाहिए। साहित्य का विद्यार्थी परम जिज्ञास, अध्ययनशील, विनम्र और जिज्ञास प्रवृत्ति का होना चाहिए, क्योंकि साहित्य के लिए आपने प्रेमचंद जी का नाम सुना होगा। साहित्य की कल्पना करते हुए प्रेमचंद जी ने लिखा है कि वह ज्ञान जो मानवता को कोल्हू में पीस डाले ज्ञान नहीं है। ज्ञानी कहता है कि आंखों में आंसू ना आए और उपासक कहता है कि होठों पर मुस्कुराहट ना आए। अगर आप हंस नहीं सकते, रो नहीं सकते, तो ऐसा ज्ञान जो मानवता को पीस डाले न वह ज्ञान है और न वह साहित्य है। साहित्य भक्ति काल के परम वैदुष्य हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित विद्वान गोस्वामी तुलसीदास जी ने साहित्य के विषय में रामचरितमानस में लिखा है कि कीरति भनिति भूति भल सोई और सुरसर सम सब कर हित होई। कि कीरति भनिति भूति भल सोई और सुरसरी सम सब कर हित होई, अर्थात साहित्य गंगा जी की वह पावन धारा है जो मनुष्य को निर्मल कर देती है। जैसे गंगा जी अपने जलधारा में पापी से पापी मनुष्य के पापों को धो करके उसे पवित्र कर देती हैं, उसी प्रकार साहित्य को पढ़ने वाले विद्यार्थी के मन में कोई भी कलुषित भावना नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि साहित्य जीने की कला सिखाता है, मनुष्य को मनुष्य बनाता है और हमारा भारतीय साहित्य वसुधैव कुटुंबकम की प्रेरणा देता है हमको। मानवतावाद, विश्वबंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम को जीने के लिए एक संदेश देता है। साहित्य पढ़ करके अगर आपका दृष्टिकोण संकुचित है तो आप साहित्य के विद्यार्थी नहीं हैं। साहित्य वह है जो मनुष्य को मनुष्य बने रहने पर विवश कर दे। अब हम आते हैं आपके बीए प्रथम सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र छायावादी युगीन काव्य पर, आधुनिक काव्य। बच्चों, हिंदी साहित्य के चार काल हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो साहित्य को समझने के लिए आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के चारों कालों को भलीभांति समझना होगा। आदिकाल हिंदी का प्रथम काल है, भक्तिकाल दूसरा काल है, रीतिकाल तीसरा काल है और आधुनिक काल अत्यंत जिसमें हम जी रहे हैं। आधुनिक काव्य का प्रारंभ भारतेन्दु युग से होता है और हिंदी साहित्य के दो भाग हैं, गद्य और पद्य। अगर हम पद्य की बात करें तो आधुनिक साहित्य, आधुनिक काव्य का प्रारंभ है हिंदी साहित्य में छायावाद से होता है, जिसके चार स्तंभ हैं, चार स्तंभ, निराला,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंडित सुमित्रा नंदन पंड, जयशंकर प्रसाद और जिन्हें हम बड़े सम्मान से आधुनिक युग की मीरा कहते हैं, अर्थात महादेवी वर्मा। और इस काल आधुनिक काव्य की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह यह है कि छायावादी कवि साहित्य को जीवन का एक आनंद अनुभूति की सापेक्ष मानक मानते हैं। अर्थात छायावादी कवियों का यह कहना है कि यह साहित्य जो है यह जीवन की निरंतरता, गतिशीलता और इसके मानवीय मूल्यों का प्रक्षेपण है। मानवीय मूल्यों अर्थात साहित्य, जब हम निराला जी की किसी कविता को पढ़ते हैं तो हमको एक प्रेरणा मिलती है, एक संदेश मिलता है। पंत जी की कविता पढ़ते हैं तो भी हमें मानव जीवन के लिए एक नूतन संकल्प दिखाई देता है, चाहे वो नौका विहार हो, चाहे वो भारत माता के प्रति हो, उनका ग्राम गीत हो। और यही बात हम जयशंकर प्रसाद के भी विषय में कहेंगे। उनका तो कामायनी महाकाव्य हिंदी साहित्य का वह विराट शाश्वत दस्तावेज है जिसमें मानवतावाद, विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम का चित्र प्रत्येक कविता की पंक्तियों में दिखाई देता है। बच्चों, एक कामायनी की एक पंक्ति आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मैं आज के आपके इस व्याख्यान को समाप्त करूंगी। कामायनी में जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, देखो जीवन बड़ा मानव जीवन बड़ा सुंदर होता है। सौंदर्य क्या है? प्रसाद जी ने लिखा है, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य इसे सब कहते हैं, इसमें अनंत अभिलाषा के सपने जगते रहते हैं। साहित्य के विद्यार्थी में अगर कल्पना करने की शक्ति नहीं है, भाव छंद अनुभूति को समझने की सामर्थ्य नहीं है, तो वो साहित्य का विद्यार्थी नहीं है। इसलिए मेरा ये कहना है प्यारे बच्चों कि साहित्य को आप प्रेम से पढ़िए, आनंद के साथ पढ़िए, तो आपको साहित्य को पढ़ने में समझने में एक ऐसे आनंद की अनुभूति होगी कि आप उसके अध्ययन के लिए निरंतर गतिशील रहेंगे। और कामायनी का एक संदेश देते हुए आज के इस व्याख्यान को मैं समाप्त कर रही हूं। कामायनी में कामायनी के नायक और नायिका वैवस्वत मनु और कामायनी है। मनु अपने जीवन से, फिर मैं अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगी, वैवस्वत मनु जब मानव जीवन से निराश हो जाते हैं तो कामायनी उनको मानव जीवन को आशा, उत्साह और उमंग का संदेश देते हुए कहती है, औरों को हंसते देखो, औरों को हंसते देखो, मनु हंसो और सुख पाओ, अपने मन को विस्तृत कर लो और सबको सुखी बनाओ। वंदे मातरम, बहुत बहुत आशीर्वाद।